नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी और आप सभी का हमारे चैनल रियल स्टोरी फैक्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। इस मंदिर के बनने से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की नीलमणि से जुड़ी मूर्ति वृक्ष के नीचे मिली थी। मालवा नरेश को यह मूर्ति सपने में दिखी थी। तब उस राजा ने भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु जी ने राजा को बताया कि पुरी में समुद्र तट के किनारे एक लकड़ी मिलेगी, उसी से मूर्ति बनवाएं। राजा ने ऐसा ही किया। उन्हें कारीगर के रूप में विश्वकर्मा जी मिले। विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि वह एक महीने में मूर्ति बनाएंगे, लेकिन कोई उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा और दरवाज़ा बंद रहेगा। राजा मान गए और इस तरह मूर्ति का निर्माण शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता है कि रोज़ राजा आते थे और कमरे से मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे, लेकिन महीने के आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने कमरे से मूर्ति बनने की आवाज़ नहीं सुनी तो कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तब एक वृद्ध कारीगर बाहर आया और उसने कहा कि मूर्तियाँ अभी पूरी नहीं बनी हैं, बल्कि अधूरी हैं। यह सब भाग्यवश हुआ है, अब ऐसे ही यह मूर्तियाँ स्थापित होंगी और पूजी जाएंगी। उसके बाद कृष्ण, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित की गई। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। वैसे आम तौर पर दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे ज़मीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आम तौर पर मंदिरों के ऊपर से पंछी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कभी भी कोई पंछी नहीं गुजरता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन
बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हज़ार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे प्यारे दोस्त राम सेवक के लिए है। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।